नमस्ते साथियों, आज हम बात करेंगे वर्ष 2023 में नए अधिवक्ता अपने क्लाइंट्स को किस प्रकार बढ़ाएं। वे अधिवक्ता जिनकी प्रैक्टिस एक साल से करीब 7 या 8 साल हो गई है, उन अधिवक्ताओं के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। देखो, सबसे पहले मैं आपको आप किसी भी एडवोकेट के पास क्लाइंट कहाँ से आते हैं और कैसे आती है बताता हूँ। ये वकील साहब है, ठीक है, अपने ऑफिस में बैठे एक ही आदमी है जो किसी परेशानी से जूझ रहा है या जिसको कोर्ट में आने की जरूरत पड़ सकती है, अभी पड़ी नहीं। इसके मान लो समस्या हो रही है, इसकी पत्नी से परेशान है, पत्नी नहीं आती है, धारा 9 का करना है, 13 का करना है मुकदमा, या इसके खेत का कोई मामला है, या रास्ते का विवाद चल रहा है, या इसके कोई लेन देन का मामला है, या किसी व्यक्ति जो इसे डरा था जमता था और झगड़ा करने पर आतुर है, कोई भी इसके व्यक्ति की समस्या चल रही है, तो सबसे पहले देखो एडवोकेट के पास जब आदमी आता है उससे पहले वो क्या क्या करता है मैं बता दूँ। वो स्टोरी समझोगे तो आपको पता चल जाएगा क्लाइंट किस प्रकार से आएगा और आपको क्या करना। ये व्यक्ति क्या कहेगा, क्या करेगा, सबसे पहले अपने परिवार वालों को और अपने जो खास मित्र हैं, खास मित्र, उनको बताएगा कि यार मेरे ये समस्या चल रही है कि मेरे वो पैसे नहीं दे रहा है, कि मेरे खेत का रास्ता रोक लिया है, कि मेरे कोई अन्य किसी प्रकार का कोई झगड़ा है। इस बारे में बात किसको करेंगे आप, सबसे पहले परिवार वालों को। फिर परिवार वाले क्या करेंगे, अपने स्तर पर उस समस्या को खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो किसी एडवोकेट के पास नहीं जाएंगे। अपने स्तर पर खत्म नहीं होगी तो कुछ ये बात कहाँ जाएगी, समाज के कुछ लोगों तक जाएगी कि यार इस आदमी की पत्नी नहीं इसके साथ रहती है, इस आदमी उससे पैसे मांगता है वो नहीं दे रहा है, या इसके खेत पे किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, या इस और को भी समस्या है, तो एक बार अंदर ही अंदर यह समस्या घुटेगी। फिर हल नहीं निकलने पर कुछ लोग समाज के या इसके परिवार वालों के वो इसको सलाह देंगे कहाँ जाने के लिए, वोट आने के नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, तू थाने में चला जा, ठीक है। थाने में जाके क्या कराएगा, वो रिपोर्ट लिखाएगा। थाने में जाने से पहले वो किसके पास जाएगा रिपोर्ट लिखाने के लिए, किसके पास जाएगा, किसी टाइप वाले के पास, ठीक है। थाने में जाने के बाद पुलिस वाले क्या कहेंगे, एक बार तो बुलाएंगे नहीं सुलटा, पुलिस वाले क्या बोलेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते, आप कोर्ट जाओ, ठीक है। फिर वो व्यक्ति कोर्ट आएगा, यानी कि कोर्ट आने से पहले उसका इतना यात्रा वो कर लेता है लगभग हर क्लाइंट। अब कोर्ट आगे कोर्ट आएगा तो वो कोर्ट जब अपने घर से कोर्ट आता है तभी वो अधिवक्ता तय कर लेता है, तय हो जाते हैं, ठीक है, कि किसको एडवोकेट करना है। अब एडवोकेट किसको करना है ये सलाह उसको कौन देगा, ठीक है। अगर उस व्यक्ति का खुद का किसी एडवोकेट से परिचय है, वो जानता है, तो एडवोकेट तय करने में सबसे पहले तो कौन करेगा, वो स्वयं तय करेगा। 95% लोगों का काम कोर्ट में नहीं पड़ता है, 5% लोग ही कोर्ट में काम पड़ता है, यानी कि आपके पास जो स्वयं का जिस व्यक्ति का काम कोर्ट में नहीं पड़ा है उसकी प्रतिशत कितना है, 95। तो इसका मतलब है कि 5% लोग ही डायरेक्ट एडवोकेट को जानते हैं और आ जाते हैं। दूसरा तरीका क्या आएगा, अपने परिचित या मित्र या परिवार ये इसको एडवोकेट का नाम सुझाएंगे। तीसरा कोई टाइप वाला है जहाँ रिपोर्ट टाइप करने गए वो सुलझा देंगे। चौथा तरीका आजकल ये भी ज़्यादा चलता है, थाने वाले, ठीक है। इस प्रकार इन लोगों में से कोई ना कोई लोग उसको बताएगा कि यार उन अधिवक्ताओं के पास जाओ। अब ये आदमी है, ये आदमी किसी एडवोकेट को नहीं जानता था, इसके कई मिलने वाले होंगे। एक आदमी ने बताया कि आपको रामलाल जी को वकील कर लो, दूसरे आदमी ने बताया कि नहीं यार मोहनलाल जी अच्छे चल रहे हैं, तीसरे आदमी बोलेगा मैंने तो यार हीरालाल जी को वकील किया, मेरा मामला ऐसा ही मामला था, बहुत जल्दी निपटा दिया। चौथा आदमी बोलेगा कि यार नहीं यार आप तो मुकेश जी को कर लो, ठीक है। तो इस आदमी के पास कई सारे नाम आते हैं, अब ये कन्फ्यूज़ हो जाता है किसको करो, किसको एडवोकेट करो। इसमें देखो नया एडवोकेट समझो आप, कि आप जो सोचते हो कि हम कोर्ट में बैठे हैं ना कोई आदमी आ जाए क्लाइंट, कोर्ट में बैठने से कोई क्लाइंट आता नहीं है। कोर्ट में बैठने से अगर क्लाइंट आते हैं तो किसी भी कोर्ट में जाके देखो
ये मेन गेट के पास हमेशा एडवोकेट बैठ रहते हैं, तो उनके पास ज़्यादा मुकदमे होने चाहिए ना, पर उनके पास नहीं होते। क्लाइंट इस मेन गेट से इन सब एडवोकेट को छोड़ते हुए चैम्बर में जाके अधिवक्ता को करता, और ये मेन गेट पे बैठने वाले जो काम 1000 रुपये में मांगते हैं उनका वो आदमी 50,000 मांगता है, चैम्बर वाला फिर भी वो 50,000 देते, क्योंकि उसका विश्वास है और उसको लगता है कि ये काम सही करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोर्ट में आके एडवोकेट पार्टी नहीं करती, वो सीधा यहीं जा रहा है, इसका मतलब वो घर से ही पे करके आया, और 100% 99% ऐसा ही होता है। अब हम बात कर रहे थे कि इन एडवोकेट में से किसको एडवोकेट चुनेगा, तो उसके पास 2 या 3 लोग जिसका नाम सुझाएंगे, बताएंगे मतलब कि यार हीरालाल जी के पास जाओ या मुकेश जी के पास जाओ, तो 2-3 लोग जिनका बहुमत होगा वो उनके पास जाएगा, अगर वो एडवोकेट स्वयं को नहीं जानता है तो। ठीक है, तो जैसे मान लो उसने हीरालाल जी को तय कर लिया, ठीक है इनके पास जाना, तो क्योंकि 3-4 लोगों ने नाम बताए। अब आप चाहते हो कि यार मेरा नाम भी, जब क्लाइंट के पास 3-4 नाम जाए तब मेरा नाम भी आए, ये 3-4 जो नाम जाते हैं हमेशा फेमस एडवोकेट के ही जाते हैं। अब आप नए स्तर पर कर रहे हो तो आपके नाम कैसे जाएगा, इस बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो आपको आजकल क्या होता है, रिटायर्ड आदमी होते हैं उनको एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है बैंक में कि मैं जिंदा हूँ। एडवोकेट को भी ये बताना पड़ता है कि आप एडवोकेट हो, कौन सी कोर्ट में काम कर रहे हो और जिंदा हो। जब तक ये पता नहीं होगा, आप रोज़ कोर्ट जाओ रोज़ जाओ पता नहीं चलेगा, तो जिंदा हो आप और आप वकालत कर रहे हो ये कैसे दर्शाओगे। एक तो रहना आपको एक्टिव, क्या क्या करना है, रोज़ कोर्ट जाना, ठीक है सर। अब रोज़ कोर्ट जाने से तो कोई आने से रहा, कोर्ट में कम से कम 2 या 3 आदमी की डेली हेल्प करनी, जो आपके क्लाइंट हो नहीं हो, जैसे कोई रोज़ बादशाह आ रहा, कोई आदमी आ रहा, आप नकल शाखा में गए वहाँ कोई आदमी मिल गया कि सर क्या हुआ, आप पहले भी आए थे नहीं मिला, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूँ, तो आपने उसकी हेल्प की, ठीक है। हेल्प करने के बाद आपको उसको क्या देना है, आपका विजिटिंग कार्ड दे देना है, बात हो गई ख़त्म, ये काम हो गया। अब मान लो वो आदमी जो नकल निकालने आया था 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद उसके कोई काम पड़ा, तो उसको याद आएगी कि यार मेरे वकील साहब मिल गया, उन्होंने हेल्प की थी। दूसरा काम, अपना परिचय बढ़ाओ। परिचय बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ लोग क्या करते हैं, राजनीति ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ लोग सभा ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग कोई अन्य संगठन ज्वाइन कर लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आप क्या ज्वाइन करो, आपको परिचय बढ़ाना है जो भी ज्वाइन करो अच्छा ही है, थोड़ी सी बात मैं राजनीति पे करता हूँ कि राजनीति में जाएंगे खूब सारे लोग मिलेंगे, इन बात बनेगी, इन मुकदमे आएंगे, मगर प्रैक्टिकल अनुभव में आप सीनियर एडवोकेट से भी पूछना, राजनीति वकील के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। क्यों नुकसानदायक है, कि राजनीति में जाने के बाद जो आपकी पार्टी के हैं, जिस भी पार्टी से हो, ठीक है, वो तो आपको पैसा लेंगे नहीं, और सामने वाली पार्टी के आपके पास आएंगे नहीं, उस जानेंगे या सामने वाली पार्टी का यार, और फिर उसमें क्या होते हैं, मित्र कम मिलते हैं और दुश्मन ज़्यादा। जो मैंने अभी बताया था कि आपके नाम सुझाएंगे, तो वो गांव के मोतबीर या पार्टी के जो नेता होते हैं, छोटे मोटे नेता, वही सुझाते हैं, तो देखते हैं यार ये अपनी पार्टी का नहीं, इसको नहीं भेजें। कभी कभी आपके पार्टी का कोई काम भेज भी देता है, ओवरऑल आपको ज़्यादा फायदे होना वाला नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसे संगठन से जुड़ो जो गैर राजनीतिक है, यानी कि हर नए एडवोकेट को गैर राजनीतिक संगठन से जुड़ना चाहिए, ठीक है, भले युवा मोर्चा हो, आपके गांव में कोई मीटिंग हो, दूसरा कोई हो, जो कौन से लेवल तक का हो, कम से कम जिला लेवल, और उसकी मीटिंग में आप जब भी छुट्टी हो तब उस दिन एक मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। तो गैर राजनीतिक में संगठन में जुड़ने से सब राजनीति के आएंगे आदमी, आपका मोटो अलग है, उद्देश्य अलग है। एक तो परिचय बढ़ाने का आपका काम क्या हो गया, ये क्यों परिचय बढ़ाने, समझे ना, कि उस जो घर पे तय करते हैं नाम मिलने वाले तय करते हैं, उसमें आपका परिचय बढ़ेगा तो आपका नाम आएगा, एक बात तो हो गई ये। अब दूसरी बात तय करते हैं, दूसरा देखो आपको क्या करना है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है। सोशल मीडिया पर जब जैसे कि जब व्हाट्सएप पर हो, फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, या भले यूट्यूब पर हो, किसी पर हो, उससे क्या होगा,
एक्टिव रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे कमेंट्स करो जो आपके प्रोफेशनल से मैच नहीं खाते हो, यानी कि आपको ऐसी बात लिखनी है जो प्रोफेशनल से मैच खाती हो। जैसे आप किसी ग्रुप में जुड़े हो उसमें कानून संबंधी जो लेटेस्ट कानून वो डालो कि भाई आप जैसे मामले ये डाल दिया, मैंने जैसे डाल दिया कि रास्ते का मुकदमा, ठीक है, नया रास्ता कैसे निकाल दें। तो कई लोगों ने जिन्होंने देखा जिनकी समस्याएं थी वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे संपर्क किया, ठीक है। अभी एक महीने हुआ डालने, कम से कम 10 क्लाइंट मेरे पास इस संबंध में आ चुके हैं जो मुझे पहले से जानते नहीं थे। तो सोशल मीडिया से भी आप आपका संपर्क बढ़ा सकते हो। आपको 2023 में क्या करना, मतलब तीसरा हेल्प का बोला था मैंने, हेल्प जो कोर्ट में कोई आदमी आ गया उसकी हेल्प करना, उसके नकल नहीं निकली, नकल निकला माम हेल्प कर देनी, कोई बेटा है कि यार मेरे वकील साहब नहीं आए तो वकील साहब को फ़ोन लगा दो, मुस्कुरा से बात कर लो, एक चाय पिला दो, तो वो क्या है कि लॉन्ग लाइफ आपके फ़ायदा देता है। ये होगी बात। फिर आपके देखो 2023 की जो अपन बात कर रहे हैं, क्लाइंट आपके पास आ गया, ठीक है, कोई भी आ गया जैसे क्लाइंट आ गया, मगर आपको काम करना नहीं आता है तो फिर वो क्लाइंट टिकेगा नहीं। तो कानून जानना आवश्यक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ाई। आप तय कर लो कि मैं इस साल में कम से कम, भले आपने 100 बार पढ़ रखी है IPC CRPC CPC रेवेन्यू एक्ट, ठीक है, एविडेंस एक्ट, ये 5-7 एक्ट तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे कि इस साल में 2023 में इन सारे एक्ट को एक बार वापस पढ़ूंगा। यानी कि क्लाइंट आपका तय होकर आपके पास आ गया मगर आपको कानून का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं नए एडवोकेट की बात कर रहा हूँ तो उनके पास क्लाइंट टिकेगा नहीं, इसलिए क्लाइंट को टिका। फिर जो एडवोकेट, एक बात और बता दूँ, जिन एडवोकेट की प्रैक्टिस 3 साल से 5 साल के मध्य या इससे ज़्यादा भी है, उन्होंने अपना ऑफिस नहीं लगाया है, ठीक है, तो उन्हें अपने ऑफिस लगाने के बारे में सोचना चाहिए और अपना ऑफिस लगा देना चाहिए। 5 साल की प्रैक्टिस हो गई और आपका ऑफिस नहीं, आप सीनियर के पास ही रह रहे हो, तो भैया आप गलती कर रहे हो भारी। आप जूनियर क्या करता है, डरता है कि यार सीनियर छोड़ के दूसरी जगह जाऊंगा तो खर्चा नहीं मिलेगा, बिल्कुल ही नहीं, तेल ही गाड़ी में कैसे भरूंगा, तो आपको थोड़ी रिस्क तो लेनी पड़ेगी अपना काम। कानून अगर आपका कंप्लीट है, कानून आपको अच्छा आता है, क्लाइंट आएंगे, मेरी बात मानो, आपको अपना ऑफिस लगा लेना सबसे पहले। कि साहब ऑफिस का कहाँ से खर्चा वहन करें, क्या करें, तो जरूर नहीं है कि आप कहीं पर ऑफिस लो, एक टेबल ही रख दो अलग कोर्ट में कि साहब मेरा यह टेबल है, नाम लिखवा कर वहाँ बैठना शुरू कर दो। महीने 2 महीने 3 महीने में ऐसे क्लाइंट तो आ ही जाएंगे कि आपके ऑफिस का खर्चा निकल जाए। तो जिनकी 5 साल से 3 साल से 5 साल के मध्य की प्रैक्टिस है या उससे ज़्यादा है, उन्होंने ऑफिस अपना निजी नहीं लगा रखा है, वो अपना निजी एक कमरा लेके कहीं पर भी ऑफिस चालू कर देंगे। तो 2023 का जो मैंने जो बातें बताई अभी छोटी मोटी, इन बातों का आपको ध्यान रखोगे तो आपका 2023 में आप अच्छे एडवोकेट स्वयं अपने पांव पर खड़े होने वाले बन सकते हो। मैं एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाल उदयपुर से। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, थैंक यू।